हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू डी नेकी ब्लॉग्स। सो गाइज, अगर आपने कल वाला ब्लॉग नहीं देखा है मेरा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो कल का जो ब्लॉग बना है वो मैंने बनाया है अंजना हिल टॉप पे। सो कल बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, हवा चल रही थी, जिसकी वजह से ब्लॉग बनाने में काफ़ी दिक्कतें आई। बट एनीवे, ब्लॉग बन चुका है और अगर आपने देखा नहीं है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, मेरा जो प्लान है आज, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कोकोनट ट्री रोड। आपने बहुत सारी रील्स, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, दोनों साइड में ट्रीज़ है, बीच में रोड है। तो अभी मैं वहाँ जाने का प्लान कर रहा हूँ, तो चलो चलते हैं। तो गाइज, ये जो जगह दिखाई दे रही है इसका नाम है सांगोल्डा। और मैं यहाँ पे रुका इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिकॉक यहाँ पे रहते हैं शाम के टाइम पे। तो अभी तो मुझे एक भी पिकॉक दिखाई नहीं दे रहा है, अदरवाइज शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग रुकते हैं पिकॉक देखने के लिए। वो कभी कभी वो डांस करते हैं, तो बहुत अच्छा व्यू रहता है। वो दिखाने की कोशिश कर रहा था बट एक भी पिकॉक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई बात नहीं, शाम के टाइम जब मैं रिटर्न आऊँगा यहाँ से तभी यहाँ पर रुकूँगा एंड कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइज, ये है सांगोल्डा चर्च। मैं अभी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि गेट उन्होंने अंदर से लॉक किया है। तो आप बाहर से ही देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल चर्च है यार, सच में। ये देख लो गाइज। सो फाइनली गाइज, मैं पहुँच चुका हूँ जो चीज़ मैं आपको बताने वाला था। आप पीछे देख सकते हैं, एकदम लाइन में बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ, ठीक है? तो चलो चलते हैं। थोड़ा बारिश भी होने लगी थी बट अभी बंद हो चुकी है। तो गाइज, अगर आपने डियर जिंदगी मूवी देखा है तो ये सीन आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी डियर जिंदगी वाली रोड, जो कि आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा रहेगा। एंड यहाँ पे देख सकते कितने सारे टूरिस्ट लोग हैं, यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने के लिए रुक रहे हैं। तो जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं ना, वो यहाँ पे एक बार ज़रूर रुक रहे हैं फ़ोटो लेने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा डेंजरस क्या लगे कि ये जो रोड है काफ़ी ज़्यादा नैरो रोड है, ठीक है? एंड लोग क्या कर रहे हैं कि फ़ोटो लेने के लिए एकदम सेंटर में आ रहे रोड के, एंड पीछे से कब गाड़ियाँ आ रही, कब बाइक आ रही, कुछ पता नहीं लग रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। एंड बाकी लोकेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार, फ़ोटो शूट के लिए तो मतलब एक नंबर की लोकेशन है। चलो आगे क्या है देखते हैं। और आगे भी मुझे यही दिखाई दे रहा है, दोनों साइड में ट्रीज़। एंड ये देखो गाइस, रोड कितनी नैरो है यहाँ पर, मतलब। और ऊपर से लोग दोनों साइड में ऐसे पार्क कर देते ना, तो उसकी वजह से और भी दिक्कत हो जाती है। सो वाओ, व्यू तो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली फ़ोटो शूट के लिए तो ये लोकेशन मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। सो गाइज, अब चलते हैं वापस। और रास्ते में कुछ अगर अच्छा व्यू दिखा तो आप डेफिनेटली आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एंड आई होप कि आपको कोकोनट ट्री व्यू अच्छा लगा होगा। काफ़ी थक गया यार। सो फाइनली मैं अब निकल चुका हूँ घर की ओर। एंड रास्ते में मुझे अगर मोर दिखाई देंगे तो मैं वो वहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। सो बाकी तो मैं काफ़ी थक चुका हूँ क्योंकि बारिश आ रही थी, मैं फिर से वापस भाग रहा था, फिर बारिश बंद हो रही, फिर बारिश आ रही, तो ऐसे काफ़ी मुझे भागना दौड़ना पड़ा, इसी वजह से मैं काफ़ी थक चुका हूँ। तो चलो चलते हैं घर। गाइस, आप सामने देख सकते हैं, ये है पिकॉक, ये देख लीजिए गाइस। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे रहते हैं बट मुझे अभी एक ही दिखाई दे रहा है। सो गाइज, फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ कोकोनट ट्री रोड से। एंड आई होप कि आपको कोकोनट ट्री रोड आपने जो है इन्जॉय करा रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।